करेगा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। KGF 2 की एंडिंग में मेकर्स ने इसके थर्ड पार्ट को लेकर हमें कई सारे हिंट दिए थे, जैसे कि रॉकी भाई के डूब जाने के बाद भी उनके नाम पर फॉरेन क्राइम्स की फाइल का खुलना, पीएम रामिका का जिंदा रहना। तो आज जब इसके थर्ड पार्ट की बात हो रही है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म KGF 2 का ही सीक्वल होगी, जिसमें रॉकी भाई के उन सालों पर फोकस किया जाएगा जो उन्होंने इंडिया से बाहर बिताए हैं। रॉकी भाई के कैरेक्टर को अगर ध्यान से देखा जाए तो हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गरीबों को न्याय दिलवाता है। रॉकी भाई ने सोने की खदानों के अंदर ही एक पूरे शहर को बसा दिया था और उन खदानों में काम करने वाले लोगों को वो सारी सुविधाएं मिलती थी जो कि एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और इस कैरेक्टर को डॉन जैसा दिखाने के बावजूद भी काफी पसंद किया गया था। इससे हमें मेकर्स के कैरेक्टर बिल्डअप के आइडिया के बारे में पता चलता है। खबर तो ये भी आ रही है कि KGF 3 में इस कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए रॉकी भाई इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में आ रहे ड्रग्स माफिया को बढ़ने से रोकते हुए नजर आएंगे। रॉकी इंडिया में ना रहते हुए इंडिया के यूथ को ड्रग्स के रास्ते पर चलने नहीं दे सकते हैं और इसी बेसलाइन पर पूरा प्लॉट आधारित होगा। इसी के चलते शायद हमें KGF 3 में गैंग वॉर भी देखने को मिल सकती है, और इसी गैंग वॉर के चलते रॉकी भाई पर कई केसेस को भी दर्ज किया गया होगा जो कि हमें KGF 2 की एंडिंग में दिखाया गया था। अब ये थ्योरी कितनी एक्यूरेट साबित होती है ये तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने पर ही पता चलेगा। KGF 2 में रवीना टंडन ने पीएम रामिका का किरदार निभाया था। ये किरदार रॉकी भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से फिल्म की एंडिंग में रॉकी भाई पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ था। रामिका का किरदार फिल्म में काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया था। ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स नेगेटिव रोल में काफी कम देखने को मिलते हैं, और इसके चलते हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमें KGF 3 में भी एक पावरफुल कैरेक्टर में नजर आएंगी। KGF 3 में हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कैसे रामिका और रॉकी के बीच पीएम और क्रिमिनल होने की वजह से ही दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उन दोनों का पर्सनल एजेंडा भी शामिल था, और ये एक अच्छा साइड प्लॉट दे सकता है स्टोरी को। मेकर्स को इस बात पर जरूर फोकस करना चाहिए। KGF फ्रेंचाइज एक साउथ इंडियन फिल्म है, और जैसा कि हम सब जानते हैं साउथ इंडियन फिल्म में एक्शन तो भरपूर होता ही है, और जैसा कि हमने KGF के दोनों पार्ट्स में देखा है और इसके थर्ड पार्ट से भी हम यही उम्मीद लगा रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि जिस एक्शन टीम ने पहले के दोनों पार्ट्स के एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ किया था, वही टीम इस पार्ट के एक्शन सीन्स को भी कोरियोग्राफ करेगी, क्योंकि हो सकता है ये KGF फ्रेंचाइज का आखिरी पार्ट हो, तो एक्शन सीन्स का जबरदस्त होना है जरूरी। आपको